ऑलराइट यार, आज हम इस वीडियो के अंदर T900 अल्ट्रा और T10 स्मार्टवॉच का जो है वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई आपके लिए कौन सी स्मार्टवॉच ज्यादा बेहतर रहने वाली है, T10 या फिर T900 अल्ट्रा। दोनों ही स्मार्टवॉचेस देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं भाई और एक ही कंपनी ने बनाई है, तो इनके अंदर से कौन सी ज्यादा बेहतर है तुम लोगों के लिए। आइए जानते हैं भाई इस वीडियो के अंदर भाई कौन सी स्मार्टवॉच तुम लोगों को बाय करनी चाहिए एंड कौन सी स्मार्टवॉच तुम लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तैयार कैसे हो तुम लोग, और मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं T10 एंड T900 अल्ट्रा स्मार्टवॉचेस का। मतलब तुम T10 और T900 अल्ट्रा एंड T800 अल्ट्रा को, मतलब इन दोनों को एक साइड पे रखो और T10 को एक तरफ रखो, क्योंकि ये सभी भाई एक जैसी है, तो भाई सभी का कंपैरिजन हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो देखो ये जो स्मार्टवॉचेस है ना, ये भाई एक ही कंपनी ने बनाई है और एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ ये कनेक्ट करती है, मतलब हाई वॉच प्रो जो इसका सॉफ्टवेयर है। सभी वॉचेस के अंदर आपको यही एक सॉफ्टवेयर देखो मिलता है, नॉट ओनली डेट्स का UI जितना भी है, स्क्रीन है, वॉलपेपर्स है, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम देखो मिलते हैं। ऑलमोस्ट क्या भाई, है ही सेम। तो कंपैरिजन को हम लंबा नहीं करेंगे भाई, हम डायरेक्ट उन चीजों के ऊपर में बात करेंगे जो का भाई दोनों के अंदर जो है ना वो आपको डिफरेंट देखो मिलेगा। हम ऑन पॉइंट बात करेंगे, जो चीजें आपको दोनों के अंदर जो है ना वो डिफरेंट देखो मिलेंगी उनके बारे में ही बात करेंगे। सो लाइक टारगेट की बात करते भाई, ओनली 150 लाइक्स का रखते हैं टारगेट, देखते हैं तुम लोग कब तक कम्प्लीट करते हो, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टवॉचेस के बॉक्स की, तो भाई बॉक्स आपको जो है ना वो T10 अल्ट्रा जो स्मार्टवॉच है ना उसका बड़ा देखो मिलता है। आई नो कंपैरिजन हमने जो है ना वो वॉचेस का करना है, बट मैं बॉक्स का भी करूंगा, क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लो? मैं इंक्वायरी कराना, तेरा बस आप लाना, चेक करना मैं तुम्हें। मतलब T900 अल्ट्रा और T800 अल्ट्रा का जो बॉक्स है वो आपको बहुत ही ज्यादा छोटा मिलता है, जो T900 स्मार्टवॉच का बॉक्स है ना ये आपको काफी ज्यादा बड़ा देखो मिलता है। अब देखते हैं भाई स्मार्टवॉच के बॉक्स को ओपन करके, एंड यहाँ पे ये T10 का तो यही हिसाब होता है भाई, खोदा चूहा निकला पहाड़। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब बॉक्स इतना बड़ा है, नीचे इतनी सी स्मार्टवॉच। मुझे लगा था कि भाई थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स देखो मिल जाएंगे, बट इसके साथ एक ही स्ट्रैप देखो मिलता है, तो फिर इतना बड़ा बॉक्स बनाने की कोई टुकनी बनती है। ऑन दी अदर अगर हम देखें T900 अल्ट्रा के बॉक्स की, तो भाई ये काफी ज्यादा स्लिम सा बॉक्स होता है, पतला सा होता है, और बिल्कुल बॉक्स को बनाना भी इसी तरह चाहिए। देखो फजूल की इसके अंदर कोई भी चीज प्रिंट नहीं की गई, जितने में स्मार्टवॉच की सारी एक्सेसरीज आ रही, बॉक्स का साइज भी उतना ही है, ना कि साइज फ्री में ऐसे बढ़ा दिया सेल्स बढ़ाने के लिए। नोटी नोटी। अब सबसे पहला डिफरेंस तो हमें इन दोनों स्मार्टवॉचेस के बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टवॉचेस को पकड़ने के बाद भाई आपको सेम वेट महसूस होगा, भाई दोनों ही स्मार्टवॉचेस का सेम डिजाइन है, सेम वेट है, सेम साइज है, दोनों का जो स्क्रीन साइज है ना वो 2.09 इंच का ही है। साइज वाइज दोनों ही स्मार्टवॉचेस काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, दोनों का रिफ्रेश रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, काफी स्मूथली वर्क करती है दोनों ही स्मार्टवॉचेस की स्क्रीन। एंड नेक्स्ट डिफरेंट आपको देखने को मिलता है भाई इन दोनों स्मार्टवॉचेस के बैक साइड पे। देखो T900 अल्ट्रा और T800 अल्ट्रा के अंदर हमें बैक साइड पे जो ना वो स्क्रूज देखो नहीं मिलते हैं, वहां पे हमें जो प्रिंट देखो मिलता है लॉक जो है ना वो अंदर से होता है, जबकि T10 अल्ट्रा जो है ना वो इसकी बैक साइड पे आपको जो है ना वो स्क्रूज देखो मिल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई T8 एंड 900 अल्ट्रा को पहले भी काफी लोगों ने भाई क्रिटिसाइज किया था, भाई इसकी बैक पे पेजेस होने चाहिए थे, आप लोगों ने ये प्रिंट क्यों हमें प्रोवाइड कर दिया, इसीलिए भाई उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन निकाला T10 अल्ट्रा, जिसके अंदर उन्होंने जो है ना वो स्क्रूज आपको प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट डिफरेंस तो भाई यही है भाई, इसके अंदर आपको पेजेस देखो मिलते हैं, मतलब T10 के अंदर आपको पेजेस देखो मिलते हैं, जबकि आपको T8 एंड 900 अल्ट्रा के अंदर प्रिंट देखो मिलता है, वहां पे पेजेस नहीं है, वो जो प्रिंट हुआ है। इसके अलावा बैक साइड जो है ना वो बिल्कुल सेम दिखती है, एंड साइड पे स्पीकर वाली साइड भी देख सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम है, एंड चार्जिंग भी आपको दोनों के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, तो वो साइड से भी बिल्कुल आपको सेम स्मार्टवॉचेस देखने को मिलती है। UI की बात करें तो भाई दोनों ही स्मार्टवॉचेस के अंदर आपको सेम UI देखने को मिलता है, अगर सॉफ्टवेयर सेम है तो भाई UI भी सेम ही होगा। अब इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो है वो आपको सभी चीजें सेम देखने को मिलती है, गेम भी इसके अंदर आपको सेम देखने को मिलती है, हार्ट रेट सेंसर, स्पोर्ट्स मोड एंड एवरीथिंग, भाई सब कुछ सेम है। नाउ जितने भी लोग T10 अल्ट्रा स्मार्टवॉच लेने के बारे में सोच रहे हैं, जितने भी उसके यूजर्स हैं, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, ये T10 अल्ट्रा जो स्मार्टवॉच है ना ये मेरे काफी फ्रेंड्स ने ली है, एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट चीज मेरे फ्रेंड के साथ ही हुई है भाई, और भी काफी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं जहां पे लोग बता रहे होते हैं कि भाई ये T10 अल्ट्रा जो स्मार्टवॉच है ना, अगर आपको जो हार्डवेयर देखने को मिलता है ना वो काफी ज्यादा मतलब थका हुआ है, मतलब स्मार्टवॉच लेने के 1 वीक के बाद 2 वीक्स के बाद इसके जो है ना वो क्रोन बटन जो है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर उसका पावर बटन काम करना छोड़ जाता है, मतलब ऐसे इसके अंदर काफी मसले मसाइल आ रहे हैं हार्डवेयर को लेकर। आई नो ये स्मार्टवॉच नहीं आई है तो भाई काफी ट्रेंड में है, लोग लेना चाहते हैं, तो भाई मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, आप लो जरूर रो, लेकिन उसके बाद रोने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे आगे कमेंट्स करने हैं, असल भाई क्रोन बटन काम नहीं कर रहा, पावर बटन काम नहीं कर रहा, तो भाई इसलिए पहले वार्न कर रहा हूं भाई ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी अगर स्मार्टवॉचेस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम स्मार्टवॉचेस हैं, बस बॉक्स का डिफरेंट है,
उसके अलावा जो आपको बैक साइड पे स्क्रूज देखने मिलते हैं, स्क्रूज वगैरह है, उनका डिफरेंस आपको देखने मिलता है। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर बस यही था। अब आपको मैं बताता हूं कि भाई अगर मैं होता आपकी जगह मैं कौन सी स्मार्टवॉच प्रेफर करता। आप देखो यार, स्मार्टवॉच की प्राइस के अंदर ना आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिलता है। T10 अल्ट्रा जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जबकि उसके अंदर आपको उतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई। उसके अलावा T8 और T9 अल्ट्रा की बात करते भाई प्राइस में भी कम है, इसके अंदर आपको स्पेक्स भी ऑलमोस्ट सेम देखो मिलते हैं, बिल्कुल सेम ही है। T9 अल्ट्रा ही प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि अब T8 जो है ना वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड को काफी ऐसे फॉलो करने वाले लोग हो तो भाई आप T10 अल्ट्रा की तरफ भी जा सकते हो। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर बस ये था। ये आपको कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इन दोनों वॉचेस के अंदर से आप कौन सी बाय करने का मन में सोच रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए लाफिज एंड बाय बाय एंड पीस आउट।